चल ठीक है भाई ट्रेवर, अभी मैं चलता हूँ यार। बहुत ही ज्यादा मजा आया तेरे साथ रहने में। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ट्रेवर के घर पे क्या कर रहा था। भाई मैं आपको बता दूं कि ट्रेवर ना गांव में रहता है, मतलब कि अभी मैं जिस लोकेशन पे हूँ ना वो एक गांव है, और भाई मेरा जो घर है मैं रहता हूँ शहर में। मेरे को एक्सपीरियंस करना था कि भाई गाँव वाले बंदे रहते कैसे है, मतलब कि उन्हें मजा आता है या फिर वो बोर होते रहते हैं पूरे दिन में। पर लेकिन भाई सही बता रहा हूँ, मेरे को यहाँ पर ट्रेवर के साथ रहने में इतना ज्यादा मजा आया है कि भाई मैं बता भी नहीं सकता, आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। और ट्रेवर के ना चार पांच खेत भी है भाई, वहाँ पर भी वो मेरे को लेकर जाता था डेली। पर लेकिन यार वहाँ पर ना कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्क रहता है भाई, कमर वमर सब दुख जाती है भाई धूप में, और काम करना पड़ता है। पर फिर भी यार कुछ भी कहो मजा तो आ गया। अभी मैं ट्रेवर के घर पे 4 से 5 दिन रुका हूँ शायद ये, हाँ 4 दिन रुका था। और 5वें दिन में मतलब कि आज मैं यहाँ से निकल चुका हूँ अपने घर के लिए। पूरे 4 दिन बाद अभी मैं अपने घर पे जा रहा हूँ। मन तो मेरा और भी था, पर लेकिन भाई कब तक ही रहूंगा मैं यहाँ पे। और यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर उड़ रहे भाई, यहाँ तो भाई केस होते ही रहते हैं। नहीं शायद वो सिक्योरिटी के लिए हेलीकॉप्टर लगा रखा है, पता नहीं भाई क्या हो रहा है यार। मैंने यहाँ पे गाड़ी ठोक दी हेलीकॉप्टर को देखने के चक्कर में, अब गायब हो गया। और हाँ मैं क्या बोल रहा था, हाँ मैं गांव में था। काफी सारी चीजें करी है मैंने ट्रेवर के साथ में, और अभी मैं लॉस सैंटोस में एंटर भी करने वाला हूँ। यहाँ से मेरे को राइट ले लेना है। और अबे भाई बड़ी गंदी लगी है यार, मुंह फूट गया मेरा, सॉरी सर सॉरी सॉरी सॉरी। चलो भाई बंदा गुस्से वाला नहीं था अभी, वरना निकल के मारता। वैसे गुस्सा लग करेगा भी क्यों, इसकी कार देख रहे हो। चलो यहाँ से बस मैं पहुंचने वाला हूँ अपने घर पे यार, ज्यादा टाइम नहीं लगा मेरे को। ये बाइक की स्पीड काफी सही है ना, इस वजह से यहाँ से लेफ्ट ले लिया। अभी मैं 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगा रहा हूँ इतने छोटे से रोड पे, मतलब इतना छोटा रोड भी नहीं है। पर लेकिन हाईवे पे मैंने ध्यान भी नहीं दिया था कितने स्पीड में थी अपनी बाइक। चलो यहाँ पर मैं पहुंच चुका हूँ, यहाँ से मेरे को लेफ्ट ले लेना है। परफेक्ट, जल्दी से चलते हैं अपने घर पे। यहाँ से शॉर्टकट ले लेता हूँ मैं, यहाँ से अपनी बाइक उड़ेगी। अबे यार ये शॉर्टकट इतना तगड़ा था भाई, वो खंबे में भिड़ गया मैं। खंबा तो नहीं था, बोर्ड था वो, पर भिड़ा तो किसी चीज में। ये लो भाई शॉर्टकट से हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे। ये रहा अपना घर, यहाँ पर मैं अपनी बाइक लगा देता हूँ। वेट, ये क्या चीज है भाई, ये गेट किसने लगा दिया, यहाँ पर तो अपना गैराज था। ये क्या हो गया भाई, मैं 4 दिन के लिए यहाँ से बाहर क्या गया। यहाँ पे तो देख लो भाई गैराज का गेट हटा के ये छोटा सा गेट लगा दिया, इसके अंदर है क्या, ये तो खुल भी नहीं रहा भाई। रुक जाओ एक बार इधर से जाके देखता हूँ। इधर तो भाई पूरा सेम है, पर लेकिन सामने की तरफ में गेट किसने लगा दिया, ये पता नहीं यार क्या हो रहा है। यहाँ से झाँक के देखो क्या अंदर कुछ दिखाई भी तो नहीं दे रहा भाई, पता नहीं यार क्या हो रहा है। और ये गेट भी नहीं खुल रहा है यार, इतना टाइट क्यों है ये गेट। एक सेकंड, ऊपर कुछ निकला हुआ है, रुको अपनी कार को ना यहीं पर लगा देता हूँ एक बार, और इसके ऊपर चढ़ के देखता हूँ कि ऊपर से तो कुछ रास्ता नहीं है अंदर जाने का, क्योंकि ये तो एकदम लॉक पड़ा हुआ है। यहाँ से बाहर निकलता हूँ फटाफट से, यहाँ से इस पे चढ़ो ऊपर। अबे यार ये क्या कर रहा है, ऊपर चढ़ना है पर लेकिन अभी भी मैं ऊपर नहीं जा सकता। रुको यहाँ से क्यों जाऊंगा, मैं इधर से चल लेता हूँ ना ऊपर, यहाँ से आराम से। और ये मैं पहुंच गया ऊपर की तरफ में, यहाँ से चल के देखता हूँ बस मैं यहाँ से गिर ना जाऊं यार, एक बार संभल के चलना पड़ेगा। रुक जाओ नीचे बैठ के जब चलेंगे यहाँ से, ये लो मैं इधर तो पहुंच गया, पर इधर भी कुछ मेरे को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर इसके अंदर जाना कैसे है भाई, लॉक हो रखा है वो पूरा। वेट, यहाँ पर कोई यार नीचे गिर गया। रुक जाओ ऊपर कुछ कागज पड़ा हुआ था उसमें देखता हूँ, उसमें कुछ लिखा हुआ होगा, तो भाई यहाँ से फिर से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। एक तो यहाँ से जाने का रिस्क इतना बड़ा है ना, नीचे गिर गया तो खाली पीली की चोट लग जाएगी मेरे को। ये लो मैं यहाँ पर पहुंच गया, और इस पेपर में लिखा क्या हुआ है, ये क्या है भाई, ये गेट को खोलने का पर्चा है क्या, और इस पे 3 टास्क लिखे हुए हैं। सबसे पहला टास्क है एस्केप द पुलिस। भाई पागल हो गए क्या ये लोग, भाई ये बनाया किसने, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ। भाई मेरा गैराज है यहाँ पे, गैराज के अंदर भाई पता नहीं इसमें है कुछ या फिर नहीं, पर लेकिन यार ये गलत है भाई, और ऊपर से मेरे को टास्क दे रहे हैं इस गेट को खोलने के लिए। सबसे पहले तो भाई मेरे को पुलिस से एस्केप करना पड़ेगा, अभी क्या करें यार, जाना पड़ेगा। और एक बार मेरे को पता चल गया ना ये काम किसने किया है, तो भाई इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। पर लेकिन एक सेकंड, मेरे पीछे तो पुलिस ही नहीं पड़ी हुई है, क्या मतलब मुझे पहले पुलिस को पीछे पड़ाना फिर उसके बाद में एस्केप करना है। अब है नहीं यार ये क्या हो रहा है भाई, तो रुक जाओ कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि पुलिस मेरे पीछे पड़े। और ना ही उसमें ये लिखा था कि यार इतने स्टार की पुलिस से पीछा छुड़वाना है, तो मैं काम करता हूँ कोई छोटा सा काम करूंगा जिससे कि मेरे पीछे बस 1 स्टार की पुलिस पड़े, और उससे भाई मैं आसानी से एस्केप कर पाऊंगा। ठीक है, तो छोटा काम क्या करूँ, इसको मार दूं, नहीं अगर इन्हें मार दूंगा तो यार शायद 1 स्टार की पुलिस तो पीछे नहीं पड़ेगी, क्योंकि मर्डर है, मर्डर करूंगा तो सिर्फ 1 स्टार की पुलिस कैसे पीछे पड़ेगी। तो क्या करूँ, गाड़ी चुरा लूं, तो ऐसा हो सकता है। गाड़ी भी तो यार कोई महंगी सी होनी चाहिए, ये सस्ती वस्ती सी गाड़ी भाई क्या है, पुलिस वाले पीछा करेंगे, पुलिस वाले भी छोड़ेंगे यार, इतनी सस्ती कार है क्या पीछा करूँ इसका। तो कोई ठीक सी कार ढूंढता हूँ, ये कौन सी कार है, ये वाली, रुक जाओ इस कार को रोकते हैं।
देखता हूँ पुलिस पीछे पड़ेगी या फिर नहीं। यहाँ पे हेलो एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपकी कार की जरूरत तो नहीं है, पर आप निकल लो, पुलिस को बुला लो एक बार, पुलिस को प्लीज। भाई यार ये तो खुद ही भैया गुंडा है, ले भैया तू कार में बैठ के जा। ओए किसकी भैंस की आंख मेरे को मार रहा है, इसको मारने के बाद क्या पता पुलिस पीछे पड़ जाए। रुक जा रुक जा रुक जा, अरे रुक तो जा, जा, जा। ओ पड़ गई, ओ भाई पुलिस पीछे पड़ गई फाइनली। मैं पहली बार पुलिस के पीछे पड़ने पे इतना खुश हो रहा हूँ। अभी बस मेरे को अपनी बाइक पे बैठना है, फटाफट से जल्दी बैठ बैठ जा बैठ जा बैठ जा। पुलिस कहाँ से आ रही है, रुक जाओ सामने चलता हूँ। अभी मैंने पुलिस को तो पीछे पड़ा लिया, ओ भाई पुलिस आ गई है। अभी मेरे को कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर मैं छुप सकूँ, पुलिस मेरे पीछे ही आ रही है। भाई मेरे को छुपना कहाँ चाहिए, कहाँ छुपूँ कहाँ छुपूँ, इसके अंदर यहाँ पर कोई जगह आएगी क्या। अरे यार ये पुलिस भी तो पीछे ही है, अरे भाई क्या कर रहा है, बैठ जल्दी से, जल्दी बैठ जल्दी बैठ। भाई की गिर गई मेरी, अरे यार ये लोग गोली मार रहे हैं भाई, रुक जाओ इसके अंदर जाके देखता हूँ, क्या पता इधर ही मेरे को कोई छुपने की जगह मिल जाए। ये तो पार्किंग है यार, यहाँ पर तो पुलिस भी आ सकती है। नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अभी कुछ छोड़ ढूंढता हूँ, यहाँ पे छुप जाऊँ। ओए रुक जाओ यहाँ पर मैं छुप सकता हूँ छुप सकता हूँ, थोड़ा आगे चल लेता हूँ। रुक जाओ यार भाई मैं कैसे बचूंगा इस पुलिस से, वैसे इतना हार्ड तो है नहीं, मैं यहीं पे छुप जाता हूँ, बस मेरे को कोई देख ना ले। यार सबसे ज्यादा हार्ड पता है क्या होता है, जब हेलीकॉप्टर आसमान में हो ना भाई तो कहीं से भी देख लेते, कहीं भी छुप जाओ देख ही लेते हैं वो लोग। और ये देख रहे हो ऊपर एक स्टार की पुलिस से एस्केप करने की सोच रहा था, दो दो स्टार की पुलिस पीछे पड़ चुकी है, इधर ही आ रही है पुलिस। एक सेकंड मेरे को, ओ भाई यार देख लिया, ओ देखो नहीं है देखो नहीं है देखो नहीं है, ओ भाई ओ दो दो पुलिस वाले, वो बच गया गए क्या, ओ फाइनली। रुक जाओ भाई पहले जाने दो इन्हें अच्छे से, पहला टास्क अपना कंप्लीट हो चुका है इतनी ज्यादा आसानी से। ये लोग चले जाए पहले, फिर मैं जाने वाला हूँ यहाँ से, जा रहे हैं। चलो भाई अभी मैं अपनी बाइक पे बैठ के निकलता हूँ यहाँ से, पहला टास्क अपना कंप्लीट हो चुका है। और भाई जिधर से पुलिस गई है उधर से तो मैं बिल्कुल भी अभी नहीं जाने वाला हूँ, यहाँ से कहीं से रास्ता है क्या यार जाने का, तो यहाँ से जंप कराने की कोशिश करता हूँ, अगर जंप हो जाएगी तो नहीं जंप नहीं होगी। अबे यार यहाँ पे रास्ता है तो जरूरी थोड़ी ना मैं आगे से जाऊंगा, यहाँ से मैं निकल लेता हूँ चुपचाप से। ये लो भाई फटाफट से अभी अपने घर पे चलते हैं। और यार मेरे को ना उस पेपर को अपनी जेब में रख लेना चाहिए था, अभी मेरे को वापस से घर पे जाना पड़ेगा दूसरा टास्क देखने के लिए। उसमें दूसरा टास्क क्या था, पहला टास्क तो मैंने बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लिया। और इसको किसने मारा, हेलो मैडम हेलो, मैंने नहीं करा कुछ भी। ओ भाई ये लोग मेरे को देख के क्यों डर रहे हैं भाई, वो मैंने नहीं मारा, वो भाई मैंने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई है ऐसे डर गए, पता नहीं मैंने क्या कर दिया। देख रहे हो कैसे भाग रहे हैं, भाग लो भाई मैंने तो कुछ करा नहीं, सही है तुमने पुलिस को तो नहीं बुलाया कम से कम। चलो अभी जल्दी से घर पे पहुंचता हूं और फिर देखता हूं उसमें सेकंड टास्क हमें क्या दे रखा है। और अगर उस गेट के अंदर मतलब अपने गैराज के अंदर जो गेट लगा हुआ है, यार फिर से गिर गया। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, अगर जो उस, अबे भाई रुक जा यार, भाई बोलने भी नहीं दे रहे हैं ये लोग। हाँ मैं क्या बोल रहा था कि अगर जो अपने गैराज के अंदर गेट लगा हुआ है उसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ तो भाई मैं क्या करूंगा, मैं तो जानता भी नहीं हूँ ये काम कर कौन रहा है भाई। और ना ही ये मेरे को कंफर्म है ये टास्क कंप्लीट करने के बाद में ये गेट खुल भी जाएगा या फिर नहीं। चलो भाई जब दे रखा है तो खुल तो जाएगा यार, कैसे नहीं खुलेगा, यहाँ से अपने को जाना है राइट। ये गेट के चक्कर में पता नहीं क्या क्या हो रहा है मेरे साथ में अभी। चलो मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पर अपने घर पे, लेट्स को अभी मेरे को फिर से ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ से फिर से एक और जंप, और यहाँ से थोड़ा संभल के जाना होगा, बैठ के बैठ जा फ्रैंकलिन। चलो सबसे पहले तो ये सेकंड टास्क पढ़ता हूँ, इसमें लिखा है द कार हैज टू लैंड इन ए मूविंग ट्रेन। भाई ये कैसे हो सकता है, मुझे कार को चलती हुई ट्रेन में उतारना है भाई, ये तो बहुत मुश्किल टास्क लग रहा है भाई, कैसे दे सकते है इतना मुश्किल टास्क। भाई बंदे को मारना चाहते हो क्या यार, ये टास्क तो धीरे धीरे करके थोड़े हार्ड होते जा रहे हो। रुको यार मैं उस पेपर को लेना फिर से भूल गया, चलो पेपर को लेकर आता हूँ फटाफट से, इसको जेब में रख लेता हूँ। चलो भाई यहाँ पर मैंने पेपर को जेब में रख लिया है, और सबसे पहले तो कार चाहिए होगी, और इस काम के लिए मैं अपनी कार तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाला हूँ, यहाँ पर से किसी की कार तो उठाऊंगा भाई मैं। रुक जाओ अंकल, अरे नहीं यार ये कार तो कुछ ज्यादा हार्ड हो जाएगी, काम करता हूँ पड़ोसी की कार, नहीं यार पड़ोसी की कार तो नहीं उठाऊंगा बिल्कुल भी भाई, सब पता चला ना। ओए रुक जा, ओ यार वो कार छूट गई मेरे हाथ से, यार वो कार एकदम बढ़िया थी। हाँ तो मैं बोल रहा था पड़ोसी की कार में इसलिए नहीं उठाऊंगा क्योंकि अगर पड़ोसी को पता चल गया कि मैंने कार उठाई है तो भाई घर में घुस के मारेगा मेरे को। नहीं आ रही यार भाई, अब कार भी नहीं आ रही है, देख रहे हो तुम लोग। ओ वो कार कब में गई यहाँ से, वो कार आ गई आ गई आ गई आ गई, वेट 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 वेट, रुको 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 यार ये वही वाली कार है, रुक जाओ पहले इस कार को ले लेता हूँ, अभी किसी और की कार छीनूंगा मैं। अबे उतर जा आंटी, अभी ना कोई सही सी कार देखता हूँ जिसकी स्पीड भी अच्छी हो, ये वाली कार ले लो क्या। रुक जाओ अंकल अंकल अंकल, अरे
यार ये लोग रुकते क्यों नहीं है। ये वाली कार लूंगा भाई मैं, ये मेरे को देखने में भी थोड़ी सही सी लग रही है। वेट 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 मैम, आप उतर सकती हो इस कार से, थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी कार आपके पास कैसे आई? पता नहीं मुझे तो ये कैसे हो रहा है। ओ भाई इस कार की स्पीड सही में अच्छी है भाई, देख रहे हो 2-3 सेकंड में 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ ली थी इसने। हाँ अभी मेरे को जाना है रेलवे ट्रैक पे, सबसे पहले तो ये टास्क को कम्प्लीट करने के लिए, ठीक है। चलो भाई रेलवे ट्रैक पे चलते हैं और इस हार्ड से टास्क को कंप्लीट करते हैं। पता नहीं कैसे तो कंप्लीट करने वाला हूँ भाई मैं, काफी ज्यादा हार्ड है ये टास्क। और अभी ना मेरे को फिर से जाना पड़ेगा ट्रेवर के गांव में, क्योंकि वहां पर ना ट्रेन ज्यादा आती है, तो भाई वहीं पर जाना पड़ेगा मेरे को। वरना अगर लॉस सैंटोस में मैं कोशिश करूंगा ना ये वाला ट्रेन का मिशन करने की, तो भाई मेरे को ना घंटों वेट करना पड़ेगा ट्रेन का, क्योंकि भाई यहाँ पर लॉस सैंटोस में ट्रेन जो है बहुत ही ज्यादा कम आती है। इसलिए भाई अभी मेरे को जल्दी से जाना पड़ेगा ट्रेवर के गाँव में। अभी तो आया था भाई, फिर जाना पड़ रहा है, यहाँ से लेफ्ट लेना है। और यार गांव भी तो उसका बहुत ही ज्यादा दूर है, अपनी बाइक से तो मैं जल्दी आ गया था। वो भाई इस कार की स्पीड मेरे को लग रहा है उस बाइक से भी ज्यादा है यार, क्योंकि देखो ना 150 किलोमीटर पर आवर पहुंच चुकी है, 160 किलोमीटर पर आवर। रुक जाओ इसकी आज स्पीड ही टेस्ट करते हैं, 170 किलोमीटर पर आवर। भाई मैंने एकदम सही गाड़ी को लिया है, 170 किलोमीटर पर आवर शायद इसकी लास्ट स्पीड। और नहीं भाई 180-190 पहुंच जाएगी क्या? वेट 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 वेट, ओ भाई बच गया, अभी एक्सीडेंट हो जाता बड़ा तगड़ा। चलो चेक करता हूँ भाई, 180 तो पहुंच जाती है आराम से। भाई मेरे हिसाब से 190 भी ये पहुंच जाएगी अगर इसको खाली रोड मिल जाए तो। छोड़ो भाई अभी मैं स्पीड तो यहाँ पर नहीं चेक करने आया, अभी मेरे को रेलवे ट्रैक पर जाना है और वहां पर वो मिशन करना है जल्दी से। सॉरी भैया सॉरी, गुस्सा हो गए आप तो, इतने बड़े शहर में ये ठोकरें तो लगती रहती है भाई, ये गुस्सा हो रहे हैं बताओ। तो गाइस ये साइड में अपना रेलवे ट्रैक आ चुका है और अभी ना मेरे को ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर कार आए और मैं जंप करा के सीधा कार के अंदर लैंड कर जाऊँ, ठीक है। पर ऐसी जगह कहाँ मिलेगी यार, रुक जाओ थोड़ा ढूंढना पड़ेगा आगे जाके। यार सही सी जगह मिल जाए तो मजा आ जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। बस हार्ड तो ये पहले से ही है, बस थोड़ा इजी करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ से मैं अपनी कार को जंप करा सकूँ, ठीक है भाई। और बस ट्रेन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कभी पता चले भाई ट्रेन मेरे को उड़ा के चली जाए पीछे से। चलो ढूंढता कोई सही सी लोकेशन जहाँ से कार को जंप कराया जा सके। वेट 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 वेट, मेरे को ये लोकेशन सही सी लग रही है, अगर मैं यहाँ से जंप कराऊंगा इस तरीके से, रुक जाओ थोड़ा पीछे से लाना पड़ेगा मेरे को अपनी कार को यहाँ से कम नहीं यहाँ से तो नहीं हो पाएगा, इधर से लाना पड़ेगा हाँ ऐसे करके। और मैं जब जंप कराऊंगा तो शायद जंप, अबे नहीं यार ये बहुत छोटी सी जंप है, अपनी कार की स्पीड कुछ ज्यादा ही रहनी चाहिए जब जाके होगा भाई। चलो यार अभी कुछ और ढूंढते आगे जाके ऐसी जंप के लिए। एक सेकेंड मेरे को एक चीज और दिखी है, अगर मैं यहाँ से जंप कराऊं तो शायद मैं आराम से लैंड कर सकता हूँ ना। वो भाई इधर से हो सकता है, वो ट्रेन आ गई ट्रेन आ गई ट्रेन आ गई, जल्दी जल्दी जल्दी। अबे अटक गई मेरी कार ही अटक गई भाई, क्या बैड लग है मेरा। ओ शिट भाई, अरे यार ये कार कैसे निकलेगी, कार नहीं निकली और ये ट्रेन भी जा चुकी है मेरी आंखों के आगे से। वाह 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 भाई वाह, जब वो ट्रेन निकल गई है यहाँ से, जब भाई अपनी कार निकली है। रुक जाओ मेरे को वेट करना पड़ेगा दूसरी ट्रेन आने का, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन आती रहती है जैसे कि मैंने बोला गांव में भाई ट्रेन आती रहती है यहाँ पे, पता नहीं ऐसा क्यों होता है यहाँ पे, पर लेकिन आती तो रहती है भाई। शायद इसलिए गाँव के लोग ट्रेन ज्यादा यूज करते हैं भाई, लॉस सैंटोस के लोग तो अपनी पर्सनल कार में जाते हैं भाई ज्यादातर, कुछ लोग हैं भाई जो ट्रेन से भी ट्रेवल करते हैं। अभी बस मेरे को दूसरी ट्रेन आने का वेट करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं है बस 4-5 मिनट वेट करते हैं और जब तक मेरे हिसाब से ट्रेन आ जाएगी। तो फाइनली गाइस यहाँ पर ट्रेन तो आ चुकी है, फटाफट से कार में बैठता हूँ अभी भाई, बस जंप हो जाए अच्छे से। और यहाँ पर भाई पता नहीं होगी या फिर नहीं, मतलब जंप तो हो जाएगी कि अपनी कार ट्रेन में जाके लैंड हो जाए अच्छे से। बस जंप करा रहा हूँ, 1-2-3 प्लीज प्लीज प्लीज। ओ भाई फर्स्ट टाइम में ही भाई साहब मजा ही आ गया। रुक जाओ इस कार को सीधा और कर देता हूँ, वरना मेरी टांट इसमें ना चिपक जाएगी कार में, मेरे को चोट लग जाएगी खाली पीली में। ये लो भाई एकदम परफेक्ट लैंडिंग, मतलब लैंडिंग तो परफेक्ट नहीं थी पर मैंने कार को परफेक्ट यहाँ पर लगे रोक दिया है, मजा आ गया भाई। यहाँ से अभी बस मैं उतर जाता हूँ और अब अगर मैं उतरूंगा तो मेरे को लग भी सकती है, और अगर कार को लेकर उतरना चाहूँ तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चलो उतरता हूँ यहाँ से, लगेगी तो मेरे को, ओ बच गया भाई। चलो गाइस ट्रेन
आ चुकी है और अभी मेरे को किसी और की कार छीननी पड़ेगी। और ये सेकंड टास्क अपना कंप्लीट हो चुका है, अभी दूसरे की कार छीन लेते हैं फिर तीसरा टास्क देखते हैं, ठीक है। तो फटाफट से भाई यहाँ पर मेरे को किसी की कार छीननी पड़ेगी और भाई कोई ऐसी कार मिले जो अभी मेरे को मिली थी, मतलब जो अभी मैं ट्रेन पे छोड़ के आया हूँ, क्योंकि भाई उस कार की स्पीड ना बड़ी सही थी। भाई ये तो ले जाओ तुम, इन कारों की मुझे जरूरत ही नहीं है और मेरे को नहीं लगता इस गाँव में मेरे को कोई अच्छी कार मिलेगी। ये वही वाली कार है क्या? वेट, नहीं वो तो नहीं है, पर मेरे को लग रहा है कि इस कार की स्पीड थोड़ी सी सही होगी। आई एम रियली सॉरी मैम, मैंने आपकी कार छीनी। चलो अभी एक तरफ को जागे ना भाई, मैं थर्ड टास्क देख लेता हूँ भाई अपना। तीसरा टास्क क्या है? थर्ड टास्क जो है वो है कंप्लीट द मेज ऑफ लॉस सैंटोस। ये टास्क को ज्यादा इजी नहीं दे दे इन्होंने एकदम से, मतलब कि भूल भुलैया को मुझे कंप्लीट करना है, जो लॉस सैंटोस की भूल भुलैया है ना उसे मुझे कंप्लीट करना है। पर लेकिन यार वो इतना इजी तो रहेगा पता नहीं यार, भाई मैंने कभी कंप्लीट की भी नहीं है, पता चले मैं वहीं पे फंस जाऊं। भाई फिर भी मुझे लग रहा है यार थर्ड टास्क यार कुछ ज्यादा इजी दे दिया इन लोगों ने। मेरे हिसाब से तो भाई इजी है, मतलब जो सेकंड टास्क था और जो फर्स्ट टास्क था उसके हिसाब से तो काफी ज्यादा इजी है। पर एक बार फिर भी भाई जाके देख लेते हैं, पहले से पहले बोलना सही नहीं रहेगा क्योंकि भाई वहाँ पर जाके पता चल रहा है मैंने शुरू तो करा पर वो एंड हुआ ही नहीं कभी, मैं वहीं पे भटक रहा हूँ, सालों लग जाए मुझे वहीं पे भाई घूमे जा रहा हूँ मैं। पर नहीं यार ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि जो मेज है ना, जो भूल भुलैया है, वो भाई इतनी बड़ी भी नहीं है, पर हाँ वो ठीक ठाक बड़ी है, पर मुझे लग रहा है मैं उसे आसानी से पार कर लूंगा। चलो भाई जाके देखते हैं क्या होने वाला है वहाँ पे, वैसे मुझे लग रहा है मैं उसे कम्प्लीट कर सकता हूँ आराम से। लेट्स गो, चलते हैं जल्दी से। यहाँ आगे से मुझे लेफ्ट टर्न लेना है। एक सेकंड, ये बंदा हेल्प मांग रहा था क्या? वेट 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 वेट, मुझे ऐसा लगा ये बंदा हेल्प मांग रहा हो। लिफ्ट चाहिए क्या तेरे को? ये क्या कर रहा है भाई? बॉडी दिखा रहा है यहाँ इसकी, भैंस क्या बॉडी दिखा रहा है यहाँ पे भाई, मुझे लगा है लिफ्ट चाहिए इसे। तो गाइस फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूँ उस भूल भुलैया वाली लोकेशन पे। वो मेरे को पता कहाँ पर जाना, अभी रुको अभी बताता हूँ। वो वहां पर देख रहे हो टॉप पे जाना है मेरे को, बिल्कुल टॉप पर वहां पर आएगी भूल भुलैया, छोटी सी भूल भुलैया है, पता नहीं उसे मैं पार कर पाऊंगा या फिर नहीं। मेरे को तो लग रहा है भाई आराम से पार कर दूंगा और बाकी का तो भाई बाद में पता चलने वाला है। भाई जल्दी से चलते हैं, फटाफट जल्दी से चलते हैं। चलो भाई ये मैं पहुंच चुका हूँ ऑलमोस्ट क्या पहुंच ही गया हूँ यहाँ पर। ये इधर की तरफ में रहती है वो भूल भुलैया, अबे इधर नहीं है, रुको आगे की तरफ मैं वो रही वहां पे दिख चुकी है मेरे को यहाँ से। लेट्स गो, ये रे भाई ये मैं छोटी सी बोल रहा था पर लेकिन यार ये देखने में तो काफी ज्यादा बड़ी लग रही है, देख रहे हो भाई आप लोग। मेरे को स्टार्टिंग तो यहाँ से करनी है, यही से करनी है ना, हाँ भाई स्टार्टिंग तो मुझे यही से करनी है। और ये एंड कहाँ पे होने वाली है एक बार वो देख लेते हैं चल के भाई, फटाफट से चलो यहाँ पर। ओ वेट, यहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं क्या? मतलब अगर मैं एक बार बाहर निकल गया साइड में से तो मुझे शुरू से करना पड़ेगा क्या? शायद यही हो सकता है। एक बार इसका एंड देख लेता हूँ, इसका एंड कहाँ पर है? ये वाला इसका एंड है। मैं अगर यहाँ से निकलता हूँ, यहाँ से या फिर यहाँ से, भाई नहीं ये तो नहीं होगा, ये वाला होगा हाँ, यहाँ से अगर मैं निकलता हूँ तो फिर मैं भाई इस थर्ड टास्क को भी कंप्लीट कर दूंगा। तो अभी जल्दी से चलते हैं और भाई मेरे को तो पता है किस चीज की एक्साइटमेंट हो रही है, मुझे देखना है उस गेट के पीछे है क्या, मतलब कि अपने गैराज के अंदर है क्या ऐसा जो भाई इतने टास्क दिए गए हैं मुझे उस गेट को खोलने के लिए। और हाँ भाई मैंने आपको फोर्थ टास्क तो बताया नहीं, भाई वो फोर्थ टास्क आप सभी कर सकते हो, उसमें फोर्थ टास्क है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो यार वो तो आप ही कर सकते हो और भाई मुझे आप पर पूरा भरोसा है आप लोग ये तो कर ही दोगे भाई, छोटा सा काम है तो फटाफट से कर दो लाइक और सब्सक्राइब। चलो अभी मैं ये भूल भुलैया में जाके देखता हूँ, थोड़ा डर सा तो लग रहा है भाई, अभी मेरे को लग रही है ये काफी ज्यादा बड़ी। चलो यहाँ से मैंने स्टार्ट तो कर दिया है, अभी मैं राइट की तरफ जाऊँ की लेफ्ट की तरफ? भाई लेफ्ट की तरफ जाता हूँ, हो सकता है रुक जाओ यहाँ जाऊँ की इधर, भाई इधर जाऊंगा तो शायद पीछे की तरफ या फिर मैं बाहर निकल जाऊंगा, नहीं भाई इधर तो पूरा बंद ही पड़ा ये रास्ता, अभी आगे चलना है। यहाँ से दो रास्ते आ गए और ये दोनों बाहर जा रहे हैं क्या? वेट यहाँ पर देखता हूँ जाके इधर क्या है, ये बंद है, ये बाहर चला जाऊंगा अगर मैं बाहर गया तो, और यहाँ पर जाने पे भी मैं बाहर ही आ गया भाई, मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। चलो जल्दी से चलता हूँ भाई, हार्ड तो है, मुझे लगा था इजी होगी पर लेकिन हार्ड है भाई। चलो मैं यहाँ से फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ, अभी मैं जाऊंगा भाई राइट की तरफ क्योंकि लेफ्ट की तरफ गया था एक ही बार, भाई सारे रास्ते बंद पड़े हैं लेफ्ट की तरफ में और जो एक खुला हुआ था उसी ने मुझे बाहर फेंक दिया ले जाके। अभी यहाँ पर एक दो तीन रास्ते हैं, यहाँ से मैं आया हूँ तो मेरे को किधर जाना चाहिए? एक सेकंड, यहाँ पर जाऊंगा तो क्या है भाई, इधर जाने पे भी दो दो रास्ते हैं, रुको एक बार इधर चल के देखता हूँ इधर क्या होने वाला है। और रुको मैं कहीं पर तो जा रहा हूँ, वेट अरे रुको इधर चलता हूँ, इधर चलता हूँ, इधर चलता हूँ, लेट्स गो। ओ बाहर हो गया कि बाहर निकल गया मैं? वेट
अबे यार मैं साइड में निकल गया भाई, ये बहुत हार्ड है भाई, बहुत हार्ड है मेरे को लग रहा है, अभी मेरे को मुश्किल लग रही है ये भूल भुलैया भाई, सही में भूल भुलैया है, मेरे को लग रहा है मैं इसमें फंस ना जाऊं। चलो अभी इधर वाले रास्ते पे जाता हूं मैं, इसमें एक भी बाहर नहीं गया। एक तो यार ये रास्ते ना कहीं पर भी शुरू हो गए कहीं पे भी खत्म हो जाते, एक सेकंड बाहर नहीं जाना। हाँ इधर चलता हूं, इधर भी जाके मैं बाहर निकल गया, और वेट मैं उसी रास्ते पर हूँ जहाँ पर मैं भी निकला था। नहीं पहले मैं इस वाले से निकला था और अभी मैं उस वाले से निकला हूँ भाई। चलो धीरे धीरे आके तो जा रहा हूँ कम से कम, मैं फिर से ट्राई करते हैं। और हाँ यार आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर जब तक आप लोग वो नहीं करोगे तो मेरे इन तीन टास्क कंप्लीट करने का कुछ भी फायदा नहीं होगा, तो भाई इसलिए प्लीज कर दो भाई। अभी मैं इस वाले रास्ते से जाने वाला हूँ, क्योंकि इस वाले रास्ते से मैं अभी एक भी बार नहीं गया हूँ। नहीं मैं नहीं जा रहा भाई, ये भाई बाहर ही निकाल देंगे मेरे को इस वाले रास्ते से। और ये कौन सा रास्ता है, वेट हाँ पहले मैं इस वाले से गया था, अभी मैं इस वाले से जाने वाला हूँ। यहाँ से जाके रुको इधर क्या है, इधर जा नहीं, ये दोनों रास्ते एक ही में मिले हुए, ये क्या था भाई, दोनों रास्ते एक ही में मिले हुए थे वो। रुको भाई इधर बाहर चला जाऊंगा मैं, बाहर नहीं जाना मेरे को, इधर ये रास्ता बंद है, अभी मेरे को इधर जाना चाहिए। चलो भाई इधर चल के देखता हूँ, इधर जाता हूँ अभी, यहाँ पर जाके मैं कहीं तो जा रहा हूँ भाई। वो निकल गया क्या, पता नहीं भाई मैं कहीं पर तो जा रहा हूँ, पर लेकिन मेरे को नहीं पता अभी मैं जहाँ कहाँ पर रहूँ। ये रास्ता बंद ना हो प्लीज। अरे ये मैम खो गई हो क्या, आओ मैं रास्ता दिखाता हूँ आपको, रास्ता दिखाता हूँ वेट। हाँ इधर ये रास्ता दिख गया मुझे, दिख गया। सॉरी 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 मैम, गुस्सा हो गई। और ये लो भाई मैंने ये थर्ड टास्क भी कंप्लीट कर दिया है, और आई होप भाई आप लोगों ने भी वो फोर्थ टास्क भी कंप्लीट कर दिया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने वाला शायद अभी भाई वो गेट जो है खुल चुका होगा। अभी भाई फटाफट से अपने घर पे चलता हूँ और देखता हूँ वहाँ पर मेरे को क्या क्या मिलने वाला है, या फिर मेरा पागल बना दिया गया है, मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। घर जाके पता लगने वाला है क्या मिलेगा या फिर क्या नहीं मिलेगा। और भाई ये लोग, भाई ये लोग क्यों नहीं सुधरते भाई, मुझे ये बताओ। ये देखो ये अंकल कितने अच्छे आदमी है, ये यहाँ पर कॉफी पी रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है ये कॉफी पी रहे हैं। और ये यहाँ पर देख रहे हो, ये देखो इस बंदे ने अभी मुंह के सामने सीक्रेट निकाल ली, ठीक है। और एक सेकंड रुक जाओ मैम, रुक जाओ, ऐसे नहीं मानेंगे ये लोग, ये भागो। भैंस की आंख, सिगरेट पी रहे हैं यहाँ पे खड़े हो गए, वो लड़कियों के सिगरेट पी रही है, अब क्या हुआ भाई, भाग क्यों रहा है। और मेरे पीछे पुलिस और पड़ चुकी है, रुक जाओ मैं यहाँ से स्केप आराम से कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा था मैं स्केप कर जाऊंगा, पर लेकिन पुलिस सामने से आ रही है। और मैं रुको जा सकता हूँ। ओ वेट, फंस गया। पुलिस तो आ रही हो भाई, यहीं आ रही है क्या, रुको यहीं पे छुपा रहता हूँ भाई, मुझे दिखेगा ना कि पुलिस यहाँ पर आ रही है। रुको भाई मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, यहाँ से निकलने में भलाई है मुझे, बस कोई देख ना ले, देख लिया भाई सॉरी। अरे यार भाई लग गई गोली, लग गई मेरे को, निकलने में भलाई अभी यहाँ से निकलने भाई। अरे भाई सब शॉट गन दे रहे हैं तो बड़ी गंदी, निकल लेता हूँ बस फटाफट से यहाँ से, निकल लो भाई जल्दी से। यार मैंने उसे क्या मारा भाई, दो स्टार की पुलिस पीछे पड़ गई। अरे मैंने स्केप कर दिया है फिर भी, मतलब हाँ अभी स्केप तो कर दिया, वो तो अपना टास्क था, अभी यहाँ तो फालतू में मैंने पुलिस पीछे पड़वाई है। अभी चुपचाप से अगर मैं अपने घर पे चला जाता ना तो ही सही था। अभी चलो चल के देखता हूँ अभी घर पे, पुलिस तो पीछे छोड़ ही देगी जब तक मैं अपने घर पर जाऊंगा। रुको आगे से पुलिस आ रही है, भाग ले। निकल गया यहाँ से, रोड पे आ चुका हूँ मैं। चलो गाइस अभी फाइनली पुलिस ने पीछे छोड़ दिया है, और भाई अभी ना मैं कुछ भी हरकत नहीं करने वाला जिससे कि मेरे पीछे पुलिस पड़ जाए। अभी चुपचाप से घर चल लेता हूँ। सॉरी ये बंदे बढ़िया लगते हैं मुझे। और नहीं कुछ भी नहीं कर रहा, मुझे लगा उसने कुछ हरकत की अंदर बैठ के। अभी चुपचाप से भाई अपने घर निकल लेता हूँ, वो जो गेट खुला यार नहीं खुला उसे देखने के लिए। तो चलो भाई यहाँ पर मैं अपने घर पर पहुंच चुका हूँ, अभी पता नहीं वो गेट खुला या फिर नहीं खुला। और भाई देख रहे हो पुलिस वालों ने क्या हालत कर दिया भाई, खून ही खून हो चुका भाई पूरी बॉडी पे। प्लीज यार प्लीज, ये गेट खुल चुका हो, अब मेरे को देखना है अंदर क्या है। अब पता नहीं किसने किया ये काम, तो पहले तो ये गेट नहीं खुल रहा था। वेट, खुल गया है भाई, ये क्या है, इतना सारा पैसा और कार मिल गई वो तो ठीक है, पर लेकिन इतना सारा पैसा भाई, आप लोग देखो पूरा गैराज मेरा पैसों से भरा हुआ है भाई। भाई साहब मजा ही आ गया, देखो इधर भी पैसा और नीचे तो भाई साहब मैं तो अमीर हो चुका हूँ। बस अभी मेरे को ये गेट हटा कर यहाँ पे वापस से गैराज का गेट लगवाना पड़ेगा भाई, मजा आ गया यार। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो चलो भाई अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।